हाँ तो दोस्तों, एक्वामैन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जो कि दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन इस पिक्चर के स्टोरी से तो ये उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा कि इस पिक्चर के नाम से ही आप लोग समझ सकते हो, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, यानी कि आर्थर अपने साम्राज्य को खो रहा है, उसके हाथ से निकल के जा रहा है उसका साम्राज्य। लेकिन ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये सब होगा एक थर्ड विलेन के हाथों, एक तुच्छे से मवाल के हाथों, जो कि पार्ट 1 में एक मटका जैसा सूट पहन के एक्वामैन को मारने में तुला हुआ था। अब उसे इस पिक्चर का मेन विलेन बना दिया गया है, जो कि एक्वामैन से सिर्फ बदला ही नहीं लेगा बल्कि उसके साम्राज्य को तेज नेस कर देगा। हालांकि ये बात जस्टिफाई करता है कि उसे उसके औकात से ज्यादा पावर दे दिया गया है एक ब्लैक ट्राइडेंट के जरिए, लेकिन क्या डीसी यूनिवर्स में विलन्स की इतनी कमी पड़ गई कि उन्हें अब ऐसे काम चलाना पड़ रहा है। और इस ट्रेलर में ये भी नोटिस हो रहा है कि एक्वामैन के पत्नी को भी टपका दिया गया है, जिसके बदौलत की एक्वामैन को ही अपने बेटे को पालना पड़ रहा है। अब वो कहां और कैसे टपकी है तो पिक्चर ही बताएगा, लेकिन ये बात तो समझ में आ रहा है कि उन्हें इस सीक्रेट विलन के हाथों से नहीं मारा जाएगा। खैर एक्चुअल में क्या हुआ है तो पिक्चर देखने से ही पता चलेगा, लेकिन ये जो हमारे सीक्रेट विलन है जिसे कि ब्लैक ट्राइडेंट की वजह से ताकत मिल रही है, जो कि सारे अटलांटियंस के लिए खतरे की घंटी है, श्राप है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस नालायक को ये ड्रैगन कहाँ से मिला। खैर ये बात तो पिक्चर में ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी कि ये जो स्टेप ब्रदर है आर्थर का, जो कि पहले पार्ट में कमी ना था, वो अब इस पार्ट में पूरी तरह से सुधर गया है। क्योंकि पहले पार्ट में ही हमने देखा था कि इसका ट्राइडेंट टूटने के बाद भी इसका घमंड नहीं टूटा था, लेकिन इस पार्ट में बंदा सुधर गया है, देख के अच्छा लगा, सुकून मिली। अब मैं चैन से इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकता हूँ।